Assalamu alaikum, welcome to my channel Pure Heart with Mithiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get start the video. आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़े का जस स्टीम लेग पीस, इसे आप हॉट एंड स्पाइसी लेग पीस भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो शादियों में मिलता है चिकन, आप वो भी कह सकते हैं, वैसा ही सेम टेस्ट आता है। आप इसे लेग पीस के अलावा बड़े पीसीज में भी बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए मैंने ये एक कप दही ले ली थी। और इस दही में मैं लूंगी 1 टेबल स्पून भर कर पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ ही ऐड कर दूंगी 1/2 स्पून नमक। इसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी, और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, और ये मैंने ऐड किया है इसमें 1 टीस्पून भरकर। और साथ ही ऐड कर रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून, और चाट मसाला ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है। और अभी ऐड कर रही हूँ काली मिर्च 2 टीस्पून, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी रेड फूड कलर। मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर कलर, आप लोग अगर यूज़ कर सकते हैं लिक्विड कलर आप वो भी इसमें यूज़ कर लें, मैंने इसमें पाउडर कलर यूज़ किया है। बहुत हाथ रोक के डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना ये होगा कि चिकन बहुत ज़्यादा एक रेडिश कलर आ जाएगा जो कि बहुत बुरा लगता है देखने में। और थोड़ा थोड़ा सा करके डालें, लाइक मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी से भी कम। और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ये देखें इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया मैंने। और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 5 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। मैं इसे फ्रेशली इस तरह से मैं देखें ग्रेट कर रही हूँ। अगर आप पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं आप पेस्ट यूज़ कर लें, और अगर आप पाउडर यूज़ करना चाहते हैं लाइक लहसुन और अदरक का पाउडर, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्रेशली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दैट्स वाई मैं इसमें फ्रेश ही यूज़ करती हूँ कि उसका अरोमा उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसमें। ये देखें इस तरह से मैं इसे अब अच्छा सा ग्रेट कर लूँगी इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से ये हो गया। और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस। ये देखें 1 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें ऐड कर लिया, और इसको कर लूँगी मैं अच्छा सा मिक्स। इस तरह से अच्छा सा मिक्स करके मैं इसमें चेक कर लूँगी नमक मिर्च, अगर आपको कम लगे आप और डाल सकते हैं, लेकिन बहुत परफेक्ट था, मैंने और नहीं डाला था। इसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी लेग पीसीस को। लेग पीसीस जो थे वो मेरे पास राउंड अबाउट 16 to 17 थे, वो मैंने लेग पीसीस इसमें डाल लिए। और इसको एक दफ़ा मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करते साथ ही मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी नाइफ़ और नाइफ़ से इस तरह से बहुत स्मॉल स्मॉल कट्स दूँगी। लाइक अगर मैं इसी नाइफ़ से बहुत डीप कट्स देती तो लेग पीस का वो चिकन होता है कि जो बहुत जल्दी टूटता है, बहुत जल्दी इस बोन से अलग हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें बहुत छोटे छोटे कट्स दे रही हूँ। आप यही चीज़ अगर आप नाइफ़ से नहीं इजी हो रहा आपको करना, तो आप क्या करेंगे, आप फोक लेंगे, फोक लेकर आपने सेम ऐसे ही फोक से आप प्रिक करते रहें तो ये सेम ऐसा ही बन जाएगा। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो इसीलिए नाइफ़ ही मेरे पास इस टाइम थी, तो मैंने उसी से ही जल्दी जल्दी कर लिया था। इसके बाद जब सब लेग पीसेस को इस तरह से कट कर लिया मैंने, उसके बाद इसको अच्छा सा कर लूँगी मिक्स। मिक्स कर लिया मैंने, और मिक्स करने के बाद अब मैं ले रही हूँ ऑरेंज कलर, क्योंकि मुझे रेड कलर का इस टाइम कलर थोड़ा कम लग रहा था, और इसको थोड़ा और देगी स्टाइल का करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर मैंने डाला है 1 चुटकी, साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँ ये घी। जैसे विंटर्स में जम जाता है तो ये ऐसा ही था, अगर आप
मेल्टेड घी लेंगे तो वो आप लेंगे 2 टेबल स्पून। इस तरह से हाथों से उसे मैंने तोड़ लिया था और तोड़ के मैंने इस बाउल में डाला और इसको दोनों हाथों से बहुत अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसे रखा था 7 to 8 आवर्स तक मैरिनेट किया था। आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे 10 डेज मैरिनेट कर सकते हैं, आप इसे 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, 15 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में। इसके बाद जब आपका दिल करे आप निकालें, आप इसे स्टीम दें जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी और आपका ये चिकन बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। 7 to 8 आवर्स की मैरिनेशन के बाद मैंने इसे डाल दिया है नॉनस्टिक पैन में और इसको कवर करके बहुत स्लो फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी, जस्ट लाइक स्टीम। जैसे स्टीम देते हैं वैसे ही मैं इसे स्टीम दूंगी। इसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ये करना है कि 10 से 15 मिनट बाद आपने इसे हिला के चेक कर लेना है। चम्मच नहीं चलानी, आपने इसके साइड्स को ही पकड़कर आपने इसे स्टीम करते हुए हिलाना है, चम्मच यूज़ नहीं करना। और ये रही इसकी फाइनल लुक, बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी चिकन बना था। आप लोग लाजमी से ट्राई करें, मैं रिकमेंड करूँगी आपको। आपको सेम वही टेस्ट मिलेगा जैसे आप लोग शादियों वाला खाते हैं स्टीम रोस्ट। आप इसे बड़े पीसीज में भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लाजमी ट्राई करें। मुझे दें अपना फीडबैक, वीडियो को लाइक करें, एफर्ट्स को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। So from my side, thanks for watching, keep smiling, stay blessed, take care.